तो जिसका जड़ था आखिरकार वही हुआ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जोड़ तोड़ धरे के धरे रह गए, क्योंकि अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मांग पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा है। रिपोर्ट देखिए। ना बीजेपी, ना शिवसेना, ना एनसीपी और ना ही कांग्रेस, महाराष्ट्र में अब किसी की सरकार नहीं बनेगी। तमाम कयास, प्रयास और गठबंधन के जोड़ तोड़ की राजनीति के बाद भी महाराष्ट्र की जनता नई सरकार से मरहूम रह गई। 21 अक्टूबर को देश के दो बड़े राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जिनके नतीजे 24 अक्टूबर को सबके सामने आए। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी बीजेपी की हवा है, लेकिन दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने कांटे की टक्कर दी। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हरियाणा में जैसे तैसे गठबंधन वाली सरकार बनी और हरियाणा की जनता को बीजेपी और जेजेपी की नई गठबंधन वाली सरकार मिल गई। वहीं महाराष्ट्र में 30 साल पुराना गठबंधन टूट गया और एनडीए से शिवसेना अलग हो गई। मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे अरविंद सावंत का इस्तीफा इसका साक्षात प्रमाण है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली सी मच गई। बीजेपी को राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए 48 घंटे का समय दिया, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर आ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर आई शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन शिवसेना भी सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई। इसके बाद तीसरे नंबर पर आई एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया गया और 24 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन यहाँ भी नाकामी हाथ लगने के बाद राज्यपाल को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी और राष्ट्रपति से मांग करनी पड़ी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने राज्यपाल पर जुबानी हमला भी बोला। देखिए, इसमें कई पहलू हैं जो पूरी तरह से गलत हैं और समझे भी नहीं जा रहे हैं। पहला पहलू है कि 356 हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बहस जिरह डिबेट्स में बार बार कहा था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पावर है, अंतिम विकल्प है, लास्ट रिजॉर्ट है। जब बाकी सब विकल्प असफल हो जाएं, तब आप इसकी सोच सकते हैं। ये पहला ऑप्शन नहीं है, पहला विकल्प नहीं है। माननीय राज्यपाल जी लग रहा है जैसे कोई एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। आपसे पूछा 24 घंटे बाद, दूसरे आदमी से पूछना अनिवार्य है, 24 घंटे उसके बाद तीसरे आदमी से पूछना अनिवार्य है। तो ये तो कोई कहीं लिखा नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ने राज्यपाल की मांग पर स्वीकृति दे दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के 19 दिन बाद आखिरकार राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मौजूदा हालात की रिपोर्ट केंद्र को भेजी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्य में सरकार नहीं बन सकती है। उन्होंने रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राज्यपाल की सिफारिश को अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। राष्ट्रपति ने राज्यों में संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अब लागू कर दिया है, जिससे ये सियासी ड्रामा अब एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। खबरें अभी तक के लिए विनीत शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो सियासी ड्रामा एक दिलचस्प मोड़ पर अब पहुंच चुका है।